सिद्धू मूसेवाले के पिता वालों कल ही लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी ब्रैड नूं लैके बयान सामने आए सी, जिस च उन्होंने कहा सी कि लॉरेंस जिही कतीड़ नूं मारना सरकार लई कोई वड्डी गल नहीं, नाल ही कहा सी कि जे गोल्डी ब्रैड नहीं फड़िया जा रहा तो उसके सिर ते 2 करोड़ का इनाम रखा जाना चाहिए और जे ये इनाम सरकार देने च असमर्थ है तो मैं 2 करोड़ दऊंगा, फिर भावें इसलिए मैनू सारी जमीन ही क्यों ना बेचनी पवे। सिद्धू मूसेवाले के पिता सरदार बलकौर सिंह सिद्धू वल्लों कल ये बयान अमृतसर विच दिता गया। तो अज की जो वड्डी खबर सामने आ रही है उस मुताबक सिद्धू मूसेवाला कतल का दूजा मास्टरमाइंड गोल्डी ब्रैड जो हुण तक इंटैलीजेंस तो बचता आ रहा सी ते रेड कॉर्नर जारी होने तो बाद ते बंबीहा ग्रुप के साथियों तो बचने लई कनेडा छड अमरीका भज गया सी, उसनू गिरफ्तार कर लिया गया। दसिया जा रहा है कि भारतीय इंटैलीजेंस वल्लों उसके कैलीफोर्निया स्थित टिकाने का पता लगा लिया गया सी, जिस तो बाद उसनू कैलीफोर्निया तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी 20 नवंबर के आस पास की दसी जा रही है। कनेडा तो भजन तो बाद गोल्डी ब्रैड ने कैलीफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो फ्रीजो और साल्ट लेक नू अपना सुरक्षित टिकाणा बनाया होया सी ते इस समय कैलीफोर्निया के फ्रेंस्को सिटी च रह रहा सी जिथे तो उसनू गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस खबर बारे अजे तक अधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है, पर दिल्ली स्पैशल सैल नू गोल्डी ब्रैड गिरफ्तार किए जाने बारे इनपुट्स मिले ने। गोल्डी ब्रैड ने अमेरिका च राजनीतिक शरण लैण लई 2 वकीलों नाल संपर्क भी साध्या सी, पर उन्हां चों 1 वकील नू जदों पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला कतल दा इह मास्टरमाइंड है तां उसने अपने पैर पिछे खिंच लए, जबकि दूजे वकील दे राही राजनीतिक शरण लैण लई गोल्डी ब्रैड ने पूरा जोर लाया होया सी। बाकी इस खबर बारे अधिकारिक तौर तो ऐलान होने तो बाद ही इस दी असल सच्चाई का पता लग सकता है। तुसी इस खबर बारे अपने कोई विचार साझी करना चाहते हो तो कमेंट्स राही कर सकते हो। तो इस वीडियो फिलहाल इन्ना ही, मिलते हैं नवी अपडेट नाल, उदों तक जुड़े रहो चैनल पंजाबी मूवीज़ अड्डा।